दोस्तों यहाँ पे पकौड़ी बनती है देखो। हाँ दोस्तों ये मेरी मामी है। दोस्तों ये मेरी मामी है लेकिन गुस्सा हो जाती है बार बार। मैं फोन नहीं, जो मैं फोन नहीं करती हूँ तो गुस्सा हो जाती है। दोस्तों मैं जब मैं 5 क्लास में थी ना, मैं इन्हीं के साथ पढ़ी कॉलेज तक। अपनी मम्मी लोग जब फोन करती है तो मान जाती है, एक फोन करो तो चट मान जाती है, ऐसे होते है देखो। हम तो ऐसे जैसे वो घी है, घी आग के सामने पिघल जाती है, धूप के सामने पिघल जाती है। दोस्तों मैंने ना मतलब जब मैं 5 क्लास में थी ना तो अपनी मामी मामा के साथ पढ़ा था, अपनी मम्मी लोगों के साथ नहीं पढ़ा था। मैंने अपनी मामी को एक बार बोला था, देखो मेरी मामी आ गई है। मैंने ना बचपन से इन्हीं के साथ में पढ़ा था, तो मतलब मेरा बचपना और कॉलेज तक ना मैं वहीं से पढ़ती थी, अपने नानी के गाँव से। देखो मेरी मामी दूध लेके आई, आज हमारे घर में दूध ही दूध हो गया है। देखो इस दुकान में गया था ना खाने लाने के लिए। ये देखो मामी प्याज लेके भी आई है, केला भर के। आज हमारे घर में इतनी सारी मिठाई हो गई है, मिठाई, कुरकुरे, बिस्किट, दूध, प्याज, बच्चों के लिए कपड़े, सारा सामान लेके आई मेरी मामी। बड़ी वाली दीदी के सासू ने घी ला रखा है और ये कुछ भांगूल जो भांग के बीज ले यहाँ से बोतल। दोस्तों ये बड़ी वाली दीदी की सासू माँ है, हम मेरी ताई है, मतलब हमारे गांव की सुराड़ी की, जहाँ मेरा मायका है ना वहीं की बड़ी वाली दीदी है, तो उनकी सासू है, सुबह सुबह आई है। तो दोस्तों अभी देखो मैं पकौड़ी बना रही हूँ, इसमें आलू की पकौड़ी बना रही हूँ, इसमें भांग के बीज डाले हैं और अभी कड़ी पत्ता डालूंगी। दोस्तों हम इस वाले वहाँ पे कीर्तन करेंगे ना, तो यहाँ पे शाम तक धूप रहती है इसलिए इसको ओढ़ रहे हैं। दीदी क्या कर रही है वहाँ पे, गड्ढा खोद रही है उसको करने के लिए। यार जारी दीदी अपने काम में लगी रहती है, जब देखो गड्ढा खोद रही है। और मैं यहाँ पे पकौड़ी बना रही हूँ, दीदी को देखो पेड़ में चढ़ गई है। दोस्तों यहाँ पे पकौड़ी बन रही है देखो। खाना खा रहे हैं, अभी हमने खाना वगैरह खा लिया है और अभी मैं प्रसाद बना रही हूँ कीर्तन के लिए, चूरन आटे का। हमारे इधर आटे का ही प्रसाद बनाते हैं। आज हमारे घर में लाइट ही नहीं है, सुबह से जब कुछ काम होता है ना लाइट ऐसे करती है। अभी ये प्रसाद बन रहा है, इसमें हम थोड़ा ड्राई फ्रूट मिला रहे हैं, नारियल का ये तो कुछ से बंदर लाना। अभी इसमें बूरा मिलाएंगे तो हमारे आटे का प्रसाद रेडी है। दोस्तों अभी शाम के 4 बज रहे हैं और हम तैयार हो गए हैं कीर्तन के लिए। मैंने हल्की सी साड़ी पहनी है क्योंकि छोटे बेबी को दूध भी पिलाना होता है ना। तो आप लोग बोल रहे थे कि हमारे जो पहाड़ी ज्वेलरी होती है उसकी वीडियो बनाना, एक दिन बनाऊंगी जब बेबी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पहन के बताऊंगी। बेबी भी तैयार हो गया है अपनी धवली दुबली पहन के हाथ में, सब तैयार हो गए। और यहाँ पे हमने बिछा दिया है लेकिन अभी गांव के लोग नहीं आए, इधर धूप है ना, तो पे बन गया हमारा पूजा का स्थान। मेरी मम्मी
मंडली, कीर्तन मंडली ने लेट कर दिया। आज हम अपने गांव में आ रखे हैं नीचे। ठीक है, नमस्ते। चरण जरा नमस्ते। रुको, इसमें नमस्ते नेमा। अच्छा हां, ये मच्छी अच्छी है। करके आ गया सारा काम। अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। ये हमारी आंगनवाड़ी मैडम है। ये क्या है? ये ईपिक नंबर है, इसको नोट करना था ना। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। क्या चू? ये है वोटर आईडी। वाह, वोटर आईडी बनाइए। धन्यवाद। अभी लोग आ रहे हैं हमारे गांव में, देखो इतने सारे लोग रहते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे मेरी मामी भजन गा रही है, उनको बहुत सारे भजन आते हैं। जी।
भगवान मंडी लिखी जय बोलो पितृदेव साहिब जय पैसे पैसे हो।